आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे। लिटरली बता रहा हूँ, एक बार आपको दिक्कत होगी लेकिन जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का एक एक घंटे में रिवीजन होगा। मेरी जितनी भी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में आए और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो मेरी लाइफ में आ जाए। बट मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आता, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टडी। आपको क्या लगता है कि एक बार पढ़ने पर समझ आ जाता है सारी चीजें? आप तो भगवान होते, इतनी छोटी उम्र पर रिसर्च पेपर लिख रहे होते। ये तो रियलिटी है, और जब रियलिटी फेस पर थप्पड़ मारती है ना, तब दर्द होता है। उस दर्द को सहकर आगे बढ़ना है भाई हमें, समझे? तो आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, फिजिकल एजुकेशन में भी, कोई भी ब्रांच हो, आपको प्रॉब्लम आएगी। दिस इज द रियलिटी, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। लेकिन यस, हमारे हाथ में तो मेहनत करना है ना, वो हम नहीं रोके। एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, किसी चीज का लोड नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि कोई लाइफ में आपसे आगे निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबका टाइम फ्रेम होता है। हो सकता है आप उससे भी आगे जाएं, लेकिन ज्यादा समय के बाद जाएं। तो आपको निरंतर प्रयास करना है। जब आप रियलिटी में खुद से जब पढ़ते हैं ना बेटा, और खुद की चीजें लिखते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं, उसके सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप लिख के सीखते हैं, या तो आप देख के सीखते हैं, या तो आप सुन के सीखते हैं। ये तीन प्रोसेस है हमारे। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने बोर्ड पे देखी, आपको खटाक से याद हो गई। कई चीजें हुई जो मैंने बोली तो आपके दिमाग में बैठ गई, और कई बार आपको कलम चलानी पड़ी। तो आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे। लिटरली बता रहा हूँ, एक बार शॉर्ट नोट बनाने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का एक एक घंटे में रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। अब कई बच्चे होते हैं कि सर हमें अलग से करने में बड़ी मौत आती है, तो देखो इसका एक सलूशन है कि आप कभी भी ध्यान से सुनना बेटा ये चीज, ठीक है? ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप कभी भी लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक में ना एक ऊपर एक हमेशा एक लाइन खींच लो, या एक ऊपर एक स्पेस छोड़ो। आप जो भी क्लास की चीजें हैं वो यहाँ पर लिखो, और क्लास खत्म होने के बाद जो भी जैसे क्वेश्चन था, कोई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा यार ये क्वेश्चन मेरे को सही में ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट। वैसे तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, तो कॉमन सेंस की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जरूरत है तो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। और जो आपने ऊपर एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, एम्प्टी स्पेस जो आपने छोड़ा है, इसमें आप अपने फॉर्मूले और ग्राफ आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपके ये सारी छोटी छोटी एक पेज में जो भी क्रक्स है, जो भी शॉर्ट में है, सारी चीजें आपके ऊपर आ गई। आप ऊपर ऊपर वाली सारी चीजें देखें, अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप उस पेज पर जा सकते हैं कि जो भी आपका डाउट था। तो अपने पेज के ऊपर स्पेस रखिए हमेशा व्हाइल रिवाइजिंग, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन अब इतने साल के बाद मैं पूरा श्योर शॉट कह सकता हूँ कि आप मिनिमम इतना जरूर करके चलिए। आपको अपने एम के पीछे मेहनत करने का जो जुनून होता है उसको सीखना पड़ेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता जिंदगी।